तो ये ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे, ममता बनर्जी जिन्होंने सिलीगुड़ी में निशाना साधा और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार पर मदद नहीं देने का आरोप भी लगाया और ये दावा किया कि कोरोना संकट के दौरान वो बंगाल की जनता के साथ थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोविड में इतना लोग मरा, इतना बड़ी प्रॉब्लम हुआ, एक दिन के लिए देखने नहीं आया, तब डर के मरते थे और वर्चुअल करते थे। मैंने कोविड का टाइम भी रास्ता है जाके राउंड बढ़ा के हम बाजार में घूमा, रास्ता में घूमा, हॉस्पिटल में घूमा। कहा थे आप? और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सिंघू बॉर्डर पर फायरिंग, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सिंघू बॉर्डर पर फायरिंग, किसान आंदोलन में फायरिंग से जुड़ी है बड़ी खबर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से, जहां किसान आंदोलन के दौरान फायरिंग हुई है। खबर है कि कल देर रात एक गाड़ी से चार लोग अचानक आंदोलन वाली जगह पर पहुंचे और तीन राउंड हवाई फायरिंग की। फायरिंग के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। हालांकि फायरिंग में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। किसानों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो किसान आंदोलन में हुई है फायरिंग, किसान आंदोलन के दौरान ये फायरिंग हुई है कल देर रात का ये मामला, जब एक गाड़ी से चार लोग उतरे, अचानक से आंदोलन वाली जगह पर पहुंचे और तीन राउंड फायरिंग की। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, किस वक्त ये फायरिंग हुई, क्या जानकारी दीपक? देखिए बीती रात लगभग 9 से 10 के बीच में ये घटनाक्रम बताया गया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को जांच करे, क्योंकि कुछ लोग यहां पर आए थे और उन लोगों ने जो है जो सोनीपत का कोंडली इलाका है उस साइड में ये फायरिंग हुई है, क्योंकि दिल्ली के ज्यूरिडिक्शन से बाहर है। और ये बताया जा रहा है कि मामले में जाँच की जा रही, चार के आसपास लोग थे और उन्होंने पहले वहां पर लंगर खाया और उसके बाद पता नहीं कुछ ऐसी बातें हुई कि उन्होंने वहां पर एकदम से पिस्टल निकाली और हवाई फायरिंग की है। हालांकि कोई इस गोली में घायल नहीं हुआ, लेकिन ये बताया जा रहा है कि काफी देर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद ये उसी गाड़ी में सवार होकर जिसमें आए थे उसी में वहां से भाग गए। लेकिन पुलिस अभी इस पूरे मामले में जांच कर रही है, क्योंकि आसपास से कुछ खोखे बरामद किए गए हैं फायरिंग के बाद, और उसी की तर्ज पर जो आसपास के लोग थे जिन्होंने देखा था उनसे बयान लिए जा रहे हैं और उस पूरे मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि किसानों के बीच में ये कौन लोग आए थे और क्या इनका मकसद था इसकी जांच की जा रही है। साथ ही ये भी आरोप लगाया था कि पंजाब नंबर की गाड़ी से ये लोग आए थे, तो ये सभी मामले की जाँच में इन सभी चीजों की जाँच की जा रही है। जी दीपक, नजर आप लगातार बना के रखिएगा। तो ये सिंघू बॉर्डर पर फायरिंग की जानकारी, फायरिंग चार लोगों की तरफ से की गई, अब इस पूरे मामले की छानबीन हो रही है। बंगाल के चुनाव